एबीपी न्यूज के पोस्टर पर यूजर्स ने एंकर रूबिका लियाकत को किया ट्रोल, देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। तमाम न्यूज एंकर और मीडिया चैनल्स पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया के नाम से कुख्यात है। विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि इन दिनों गोदी मीडिया चैनल्स पर दिन रात मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार चलता रहता है। ये वही चैनल्स है जहां दिन रात हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जैसे मुद्दे छाए रहते हैं और इन्हीं मुद्दों पर डिबेट होती रहती है। आरोप ये भी है कि गोदी मीडिया पर सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछा जाता है, खास तौर पर कांग्रेस से और कांग्रेस में भी गांधी परिवार से। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, इस बात का अंदाजा आप एबीपी न्यूज के वायरल हो रहे इन दो पोस्टर्स से लगा सकते हैं। पहले पोस्टर में कहा जा रहा है योगी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना मास्टर स्ट्रोक, वहीं दूसरे पोस्टर में कहा जा रहा है मास्टर स्ट्रोक, सेफ सीट पर क्यों गए अखिलेश। पोस्टर में एंकर रूबिका लियाकत की तस्वीर भी नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह ने इन पोस्टर्स को शेयर किया है और तंज के रूप में कहा दो पोस्टर। पत्रकार रणविजय द्वारा शेयर किए गए पोस्टर पर यूजर प्रमोद अवस्थी ने कहा, काश टीवी में घुसकर थप्पड़ मारने की व्यवस्था होती तो ऐसे एंकरों के गाल टमाटर जैसे हमेशा लाल दिखते। एक और यूजर ने कहा, रू विकी आत्मा पैकर स्क्रिप्ट मीडिया। एक अन्य यूजर कहते हैं कि मास्टर के डर से हर हिट विकेट को भी स्ट्रोक साबित करना पड़ रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, इनको भगाने का टाइम आ गया है, नफरत परोसकर ज्यादा दिन भगवान भी माफ नहीं करता। वहीं एक अन्य यूजर ने न्यूज चैनल पर आरोप लगाते हुए कहा कि देखो, अपनी पार्टी को जिताने के लिए बेचारे न्यूज चैनल्स दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे।